132 एक्शन आओ आओ। ऐसी चीजें हैं जो अच्छाई से जो लोगों ने किया है और वीआईपी कल्चर से हम जितना बच सकते हैं हमने बचना चाहिए और वीआईपी कल्चर से हम जितना बच सकते हैं हमने बचना चाहिए। तो भाई हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके काफिले में जो मोटरकेड होता है जिससे वो चलते हैं उसमें एक नई गाड़ी आई है, मर्सिडीज है ये प्रधानमंत्री की नई। ये है मर्सिडीज माइबाख S650। किम जोंग के पास मर्सिडीज की ही माइबाख मॉडल की ही एक गाड़ी है लेकिन उस मॉडल का नाम है S600। अभी जो प्रधानमंत्री के पास आई है वो है S650। अच्छा, और प्रधानमंत्री के पास जो गाड़ियां हैं कौन कौन सी गाड़ियां हैं अब तक? तो जब वो मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री बने ही थे तब उनके पास स्कॉर्पियो थी। गुजरात में मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री वो स्कॉर्पियो से चलते थे, बुलेट प्रूफ। फिर बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज आई, रेंज रोवर वोग आई, टोयोटा लैंड क्रूजर आई और अब इस काफिले में मर्सिडीज माइबाख नाम की एक गाड़ी भी जुड़ चुकी है। 12 करोड़ इसका दाम बताया जा रहा है। और वीआईपी कल्चर से हम जितना बच सकते हैं हमने बचना चाहिए। मैं सबसे पहले तो आलोक जी आपसे शुरू करना चाहता हूं, सुरक्षा हेतु अगर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि SPG जो सुरक्षा मुहैया कराती है प्रधानमंत्री को, अगर वो ये कहती है कि हम उनकी गाड़ी रिप्लेस करते हैं, इसमें प्रधानमंत्री का मत भी नहीं चलता, तो उसमें फिर गलत क्या है? कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। जो प्रधानमंत्री तमाम चीजों पर अपनी राय रखते हो, एक एक दिन में 10-10 जोड़ी कपड़े बदलते हो, उनकी गाड़ी SPG के किसी अधिकारी की हिम्मत है कि वो बगैर प्रधानमंत्री जी के पूछे वो बदल दे? ये तो आज ऐसा लग रहा है कि जैसे 1 अप्रैल। लेकिन मैं वो 2013-14 के बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान याद दिलाना चाहता हूँ कि मनमोहन सिंह साहब जो है वो रूट क्यों लगवाते हैं, कितने सिक्योरिटी के लोग उनके साथ लगते हैं, और मोदी साहब ने 2015 में बहुत एक बड़ा, वैसे तो दोगले हैं सब। कि वीआईपी कल्चर को हम समाप्त कर रहे हैं, तो वीआईपी कल्चर समाप्त किया है मोदी साहब ने या बढ़ाया? ₹8,500 करोड़ का जहाज, लाखों के कपड़े, लाखों का चश्मा, लाखों के बूट। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? और फिर देश और प्रवचन पूरे देश को कि मेक इन इंडिया होना चाहिए। मन की बात में मेक इन इंडिया होना चाहिए, इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा हो और देश के प्रधानमंत्री के तमाम चीजों के ऊपर ये तमाम खर्चे होते हों। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। आप कह रहे हैं AK-47 से भी बचाव है, ब्लास्ट से है, केमिकल अटैक से है, 6 लीटर का इंजन है इसका, तो क्या हालात 2014 से खराब हो गए हैं क्या? यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या सुरक्षित नहीं है देश? नहीं। क्या आज हम किम जोंग से उनकी तुलना कर रहे हैं? स्कॉर्पियो से लेकर मर्सिडीज तक आ गए और मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, तो ये नौटंकी नहीं होनी चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? आप जब डुबकी लगाते हैं तो विदेशी आपके कपड़े जो है डिजाइन करते हैं, अमेरिका में बैठे हुए लोग। भगवान आती जेरे ले ले, भगवान आती। कि भगवा कपड़ा भी वहीं से डिजाइन होकर आएगा और फिर आप कहते हैं कि आंखों में आंसू लाके कि साहब मेरी माता जी तो कब बर्तन साफ करती। बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री रहते हुए ये केवल और केवल ढकोसला नजर आ रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और मोदी साहब क्या डरवश इस तरह की गाड़ियां ले रहे हैं? क्या देश में आप जो इंटरनल सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो गई है और मोदी जी हैं और बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं? बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता। लेकिन कांग्रेस का व्यक्ति अगर कोई करता था
तो इनको कहीं ना कहीं पेट में दर्द होता था। मजा आया। मुझे लगता है एक व्यक्ति जिसने देश की अर्थव्यवस्था का भी भट्टा बैठाया हो, सामाजिक सौहार्द को भी बिगाड़ दिया हो, जिसने इंटरनल सिक्योरिटी को भी बिगाड़ा हो, चाइना घुसकर बैठ गया हो, डर बस तो नहीं है कहीं सिंह साहब? ये खत्म। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't. Agar hum kare to kare kya, bole to bole kya. Wow, Modi ji, wow. Radio stations, I got more plays than all of these rappers combined.